अलग लोग से हैं, ऐसे भी डाइवर्सिटी हमारा नेचर है, तो हम लोग सब डाइवर्स हैं बट यूनाइटेड। सिस्टम 2011 में एस्टेब्लिश हुई दिल्ली में एज ए इम्पोर्टर कंपनी। वी वर इम्पोर्टिंग द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम यूरोप, जापान और थोड़ा बहुत चाइना से भी हम लोग इम्पोर्ट करते थे। एंड देन वी स्टार्टेड सेलिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। स्लोली स्लोली वी रियलाइज कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहिए, और इन द प्रोसेस वी मैन्युफैक्चर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो अभी हम हिमाचल से, हरिद्वार से और हैदराबाद से डिफरेंट लोकेशन से मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसको हमें करने का प्लान किया। तो फिर सोचा कहाँ से शुरू किया जाए, क्यों नहीं हिमाचल से शुरू करें, क्यों नहीं उत्तराखंड से शुरू करें, क्यों नहीं कहीं और से नोएडा से शुरू करें, बिकॉज वी आर बेस्ड इन दिल्ली। बहुत कुछ सोचने के बाद हमने कहा क्यों नहीं हम अपने स्टेट से शुरुआत करें, बिकॉज वी बिलोंग टू दरभंगा एंड इट्स ए पार्ट ऑफ द मिथिलांचल, यू नो। तो हम समीर जी से मिले, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहित किया कि भाई आप लोग आइए, यहाँ लगाइए उद्योग, खास करके फार्मास्यूटिकल्स में, आईटीज में, दूसरे ऐसे इसमें जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बिग कंपनीज। आई वॉज हेडिंग केडला फार्मा, आई वॉज हेडिंग मॉरपेन, आई वॉज हेडिंग वोकार्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। वी हैव प्लान्स टू एस्टेब्लिश दिस एडिफ मेडिकल सिस्टम इनटू फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस विद द एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन विद रीजनेबल। की जाए तो इस एडिफ मेडिकल सिस्टम्स के आ जाने से क्या लगता है कि कितने बेरोजगारों को यहाँ नौकरी मिल जाएगी? सर ऑलमोस्ट 500 to 600 पीपल को रोजगार मिल जाएगा। 500 to 600 शुरुआत में ही 500-600 लोग यहाँ जो है जुड़ जाएंगे। इनडायरेक्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि मोर देन 3000 विल बी बेनिफिटेड। इंडस्ट्रियल एरिया में एडिप मेडिकल सिस्टम्स का आपने इनॉग्रेशन किया है, आज शिलान्यास किया है आपने। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? निश्चित तौर पे ये जो फैज साहब हैं EDIF कंपनी के और इनके साथ जितने लोग हैं सबको उपस्थित हैं, आज हम लोगों ने इनॉग्रेशन के लिए किया है। निश्चित तौर पे समय सीमा के अंदर ये अपने प्रोडक्शन को भी उस रूप में ले जाएंगे जहां बिहार नहीं, बिहार से बाहर भी जो भेजने का है, और सरकार इनको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। इस तरह के जितने भी फैक्ट्री आएगी सबों को सपोर्ट करेगी। पूरे मधुबनी जिला में उद्योग विभाग का लगातार लगभग 50 करोड़ रुपए से काम होगा, जो यहाँ की जनता के बीच मैसेज जाएगा। अच्छे अच्छे उद्योग करने वाले लोग मधुबनी आएंगे, और मधुबनी के बाद आगे बढ़ेंगे, दरभंगा जाएंगे, दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे, मुजफ्फरपुर के बाद पटना आएंगे। पूरे बिहार में ये वातावरण बन रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथी से, कि इतना बढ़िया ढंग से जो आप लोग का शुरू से मधुबनी का रहा है, जितना प्रचार किए तो मधुबनी पेंटिंग ऐसा पेंटिंग निकला, पूरे दुनिया में इससे बड़ा अवार्ड, इससे ज़्यादा अवार्ड कोई आज तक नहीं ले पाया। अगले साल, इस बार की नहीं, मोटे अनाज का साल है। अगले साल हमने 8 महीना पहले ही भारत सरकार को लिखा था, गए भी थे, अगले साल पूरे देश बनाएगा मखाना का साल। ये बहुत बड़ी बात है मधुबनी के लिए जो हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। और इस तरह का मखाना का 50 फैक्ट्रियाँ लगेगी, और यहाँ का उत्पादन क्षमता भी जो आज है उससे डबल होगा, किसान भी इसमें खुश होंगे। तो हर एक जगह खुशहाली लाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, रोजी रोजगार बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जहाँ तक हो पाएगा, समीर महासेठ पूरे मधुबनी लोगों को आदाब सलाम करता है कि आप लोग के वजह से मधुबनी आगे बढ़े। और हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, सुनील जी, सारे लोग हैं, फैज साहब, तो आप देख रहे होंगे सबकी एक ही मानसिकता है कि मधुबनी पूरे 38 जिला में अद्वितीय कैसे बने, अलग कैसे दिखे, ये टारगेट आप लोग को भी लेना है। तो जिस टारगेट को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। फैज साहब ने कहा कि 10 मिनट में आपने जमीन दिलवा दिया, ये एक मुहावरा ऐसा लगता है। ये बिहार है और बिहार लेट लतीफी के लिए मशहूर रहा है, ये कैसे संभव हुआ? हमारा ये कहना है कि हम किसी का शिकायत करते नहीं है, किसी का हम बुराई करते नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं जिन्होंने जो काम किया है उस लकीर को हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो हम सबकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो फैज साहब ने कहा गलत नहीं कहा। फैज साहब अपना अहर्ता रखते थे जो इनको 5 से 10 मिनट में मिल गया और ओके हो गया। उस ढंग का अहर्ता हर एक बिहार के लोगों में है, वो डिसिप्लिन बिहार के लोगों में है। उस डिसिप्लिन को ला करके एस्टैब्लिश करना है जो बिहार के भीतर का बिहारी
अब बिहार से बाहर जाकर बिहारी में जो डिफरेंस है कि वहाँ जाकर के वो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और घर आकर के भी डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है ताकि सेकंड जनरेशन और हमारा इम्प्रूव करे। सर, आपने कहा कि बिहार में अंबानी और अडानी जैसे लोग भी जमीन ले लिए हैं, क्या बिहार में अंबानी और अडानी की भी कंपनी आने वाली है? देखा जाए, हमने ये कहा कि जिन लोगों का कहना था कि बड़े उद्योग नहीं आएंगे, उन लोगों के लिए हमने कहा कि देख लो, जिनके बारे में नहीं सोच रहे थे, जिनको आने के लिए तो रोक रहे थे, वो लोग भी बांध तोड़ करके आ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, ये खुशी की बात है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। सर, आखिरी सवाल, आप उद्योग मंत्री हैं और मधुबनी के बेटे, आप मित्रांचल के बेटे जाने जाते हैं, आप क्या 2024 में ईडी मेडिकल सिस्टम्स दवा सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी 100%? हम वो पैरामीटर्स बना देंगे, वो हम इनको सपोर्टिव सिस्टम दे देंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में इनका कि नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस मैंने फाइनेंशियल ईयर में सारा पैरामीटर्स तैयार कर देंगे। मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया ईडीएफ की तमाम टीम को और साथ साथ इनके सीईओ फैज साहब को, इनकी तमाम टीम को। बड़ा अच्छा लगा। अब बिहार जो है वो कंज्यूमर से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरर की तरफ बढ़ रहा है। अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता की भूमिका में नहीं है, बल्कि हम उत्पादक की भूमिका में भी है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में तमाम लोग, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अपनी इंडस्ट्री लगाने में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में, उन लोगों को बिहार सरकार और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। क्या लग रहा है महागठबंधन की सरकार में बंद चीनी मिल है जो निश्चित तौर पर, मैंने तो खुले मन से माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि जो भी चीनी मिल, पेपर मिल तमाम जो बंद पड़े हैं, जो चालू नहीं है, उनको जल्द से जल्द चालू कराया जाए। मंत्री जी ने कहा है कि कुछ फंड इन्होंने अलॉट किया है, कुछ इन्वेस्टर्स को खोज रहे हैं। माननीय मंत्री जी पूरे देश भर में और विदेशों में भी जाकर दौरा कर रहे हैं ताकि कोई अच्छे इन्वेस्टर मिले जिससे चीनी मिल चालू हो जाए। और हमारी भी ये मांग है कि निश्चित तौर पर चीनी मिल चालू होना चाहिए। धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं एडिफ मेडिकल सिस्टम्स जो इंडस्ट्रियल एरिया पंडोल में, उसका शिलान्यास हुआ है। मंत्री समीर कुमार महासेर जो उद्योग मंत्री बिहार के हैं, उनके द्वारा किया गया है। हम चाहेंगे कि जो इनकी टीम है, एडिफ की टीम है, उनसे हम बात करें कि आखिरकार क्या इनका उद्देश्य है और ये सिस्टम क्या है। इसलिए कि ये सिर्फ न मधुबनी जिले की बात होगी बल्कि मित्रांचल बिहार और ये हिंदुस्तान लेवल की बात होगी। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले जो प्रोप्राइटर है इस कंपनी के, उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद इस एडिफ टीम में शामिल कुछ लोगों से भी बात कर हम चाहेंगे कि आप तक पहुंचाएं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। अपने बारे में बता दें आप कि आप एडिफ मेडिकल सिस्टम्स कंपनी की प्रोप्राइटर हैं, किस उद्देश्य से आपने इसको इतना बड़ा जो है आपने एक गिफ्ट समझिए दिया है मित्रांचल वालों के लिए? बस इंडिया को भी वर्ल्ड के मैप पे एक भी वैलेंस लाना है, उसको लाना है जी। आप बेसिकली रहने वाली कहाँ की? बिहार के ही हैं। बिहार के ही रहने वाले आप? और अपने घर को भी दुनिया के साथ पैरेलल खड़ा करना है, ये उद्देश्य है। ठीक है जी। और तो आपके साथ जो टीम है, इस टीम में लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं या सिर्फ आपके मित्रांचल या आपके घर के लोग ही हैं? जी नहीं, अलग अलग लोग से हैं। ऐसे भी डाइवर्सिटी हमारा नेचर है, तो हम लोग सब डाइवर्स हैं बट येट यूनाइटेड। थैंक यू आपका। सर, अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम फैज अहमद है और मैं एडिफ टीम को हेड करता हूँ बिजनेस प्रमोशन में और मार्केटिंग में, सेल्स में, इन ऑल द एक्टिविटीज़। सर, ये इसके बारे में, एडिफ मेडिकल सिस्टम्स के बारे में अगर दर्शकों को बताना चाहे तो इन डिटेल कौन बता देंगे आपके? मैं आपको बता सकता हूँ। एडिफ मेडिकल सिस्टम 2011 में इस्टेब्लिश हुई दिल्ली में एज ए इम्पोर्टर कंपनी। वी वेर इम्पोर्टिंग द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम यूरोप, जापान और थोड़ा बहुत चाइना से भी हम लोग इम्पोर्ट कर देते हैं। एंड देन वी स्टार्टेड सेलिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। स्लोली वी रियलाइज कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहिए और इन द प्रोसेस वी मैन्युफैक्चर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो अभी हम हिमाचल से, हरिद्वार से और हैदराबाद से, डिफरेंट लोकेशन से मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। व्हेन वी सॉ दैट इफ़ दे कैन प्रोड्यूस, व्हाई कांट वी प्रोड्यूस, तो हमने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने का प्लान किया। तो फिर सोचा कहाँ से शुरू किया जाए, क्यों नहीं हिमाचल से शुरू करें, क्यों नहीं उत्तराखंड से शुरू करें, क्यों नहीं कहीं और से, नोएडा से शुरू करें, बिकॉज वी आर बेस्ड इन दिल्ली। बहुत कुछ सोचने के बाद हमने कहा क्यों नहीं हम अपने स्टेट से शुरुआत करें, बिकॉज वी बिलोंग टू दरभंगा एंड इट्स ए पार्ट ऑफ द मिथिलांचल, यू नो। तो हम समीर जी से मिले, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहित किया कि भाई आप लगाइए, यहाँ लगाइए उद्योग, खास करके फार्मास्यूटिकल्स में, आईटीज़ में, दूसरे ऐसे इसमें जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड चीज़ें हैं उसमें हमें यहाँ कमी है,
हम आपको हर तरह का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जितना भी सरकार की तरफ से मदद होगा वो करेंगे। इन द प्रोसेस वी अप्लाइड इट एंड वी गॉट दिस लैंड ऑफ 2 acres एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अवर ओन मैन्युफैक्चरिंग। कब तक ये शुरू हो जाएगा? आवर प्लानिंग इज टू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2024 इफ एवरीथिंग गोज वेल। एक चीज़ आप जानना चाह रहे थे कि इसमें किस तरह की दवाइयाँ बनाई जाएंगी? वी विल प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, जेनरिक से लेकर के ब्रांडेड ऑल्सो। जेनरिक में जो हमारे को ज़रूरत यहाँ पे है, जो डे टू डे एक्टिविटी में ज़रूरत पड़ती है, जिसको लोग बहुत हाई कॉस्ट पे ब्रांड में कर करके बेचते हैं, उसको हम लोग बिल्कुल नॉमिनल इसके ऊपर बिहार गवर्नमेंट के साथ भी और नॉर्मल जगह पे भी जो है सो हम उसको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा प्लान सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ज़रूर हम यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बट आवर प्लान इज़ टू प्रोड्यूस हेयर एंड टू सेल टू द वर्ल्ड। सो दिस इज़ आवर प्लान। थैंक यू सर। आपके बाद यहाँ और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, सबकी जिम्मेदारियाँ बटी हुई होंगी, तो मैं चाहूँगा कि सर से बात करें। मिस्टर सक्सेना हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड इज द मास्टर ऑफ मेडिसिन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू आपका। सर क्या परिचय है आपका? सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार सक्सेना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं एडिफ मेडिकल सिस्टम के संग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बेसिकली फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ एंड आई हैव स्पेंट 30 years विद ऑल बिग कंपनीज। आई वॉज हेडिंग केडला फार्मा, आई वॉज हेडिंग मॉरपैन, आई वॉज हेडिंग वोकहार्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वी हैव प्लान्स टू एस्टेब्लिश दिस एडिफ मेडिकल सिस्टम इनटू फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस विद द एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन विद अ रीजनेबल कॉस्ट। द मेडिसिन विल हैव अ निश इन द मार्केट विद टाइम रिलीज, सस्टेन रिलीज टेक्नोलॉजी which will be one of its kind in the industry. We have plans to export the medicine outside India. We are already doing it through the trading business. We have almost 10 crores turnover in exports today without having our own plant. And I am sure that once we enter into the business of manufacturing, we will be able to produce more and export more in the marketplace. Our aim is not to provide only the me too type of product, but certain technology advanced product which will give a mileage in the industry and have a competitive edge in the marketplace. थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात यह है कि एडिफ मेडिकल सिस्टम्स के आ जाने से जो इंडस्ट्रियल एरिया है पंडोल का बहुत मशहूर रहा है और ये बहुत बड़ी कोशिश है कि अब इस इंडस्ट्रियल एरिया को ही बढ़ाया जाएगा, रोजगार भी बढ़ेंगे। हम फिर बात करते हैं। परिचय पूरा। जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल लाजमी है, मैं यहाँ फैक्ट्री इंचार्ज हूँ। फैक्ट्री इंचार्ज हैं आप, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी आपके ऊपर, आप काम कर जुड़े हुए हैं, तो कैसे उसको आप निभाते हैं अपनी जिम्मेदारी को? देखिए हमारे सबसे पहले बता दूं कि फैज साहब हमारे वही हमें डायरेक्ट करते हैं और उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है अकॉर्डिंगली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और जो भी जिम्मेदारियाँ देते हैं वो उनसे कोऑर्डिनेट करके और जैसे जो होता है वो हम उनको रिपोर्ट करते रहते हैं। हमारी बहुत सारी तरह तरह की जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ये प्लॉट सेंक्शन होने के बाद यहाँ पर अभी जैसे बाउंड्री का काम हुआ तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 2.5-3 महीना लग गया इस बाउंड्री के काम में, तो अभी ये कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 24 में है इसको जी। हाँ 24 में हमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है। जी जी थैंक यू। सर आप बताएं कि बेरोजगारी की बात अगर की जाए तो इस एडिफ मेडिकल सिस्टम्स के आ जाने से क्या लगता है कि कितने बेरोजगारों को यहाँ नौकरी मिल जाएगी? सर ऑलमोस्ट 500-600 पीपल को रोजगार जो मिलेगा सर। यहाँ पे 500-600 डायरेक्ट शुरुआत में ही 500-600 लोग यहाँ जो है जुड़ जाएंगे। जी जी एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि मोर देन 3000 विल बी बेनिफिटेड स्टार्टिंग 500-600। आपका क्या रोल है इसमें? सर अभी हमारा जो रोल है वो है टेक्निकल सपोर्ट रूम में, कस्टमर के जो भी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल वहाँ मैं टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ एडिफ टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दर्शकों, एडिफ मेडिकल सिस्टम्स की टीम काफ़ी मजबूत टीम है और काफ़ी तजर्बा रखते हैं ये लोग। दिल्ली में भी इनकी कंपनियाँ चल रही हैं। इन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम बिहार के मिथिलांचल और मिथिलांचल में भी मधुबनी के पंडोल इंडस्ट्रियल एरिया से ही एक बार इस काम को का आगाज़ करें ताकि हमारे बिहार के खासकर जो मिथिलांचल के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो इस लायक होंगे वो भी यहाँ जुड़कर अपनी रोज़गार से जुड़ेंगे और वो भी मजबूत बनेंगे। हम बात करते हैं रामशिला सकरी में कार्यरत डॉक्टर फैजुल हसन साहब से। दर्शकों बता दें डॉक्टर फैजुल हसन साहब तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वागत। थैंक यू।
ये एक सवाल मेरे दिल में आ रही थी कि एडिफ मेडिकल सिस्टम इंडस्ट्रियल एरिया पंडोल में खोला गया, शिलान्यास इसका हुआ है, 2024 में यहाँ दवाइयाँ बननी शुरू हो जाएगी। आप एक डॉक्टर हैं, मशहूर डॉक्टर रहे हैं आप, मैं जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को बताएं आप कि एडिफ सिस्टम किस हद तक यहाँ के लोगों की मदद कर पाएगी। देखिए, बिहार से ज़्यादातर लोग माइग्रेट होकर के बाहर जाके जॉब, बिजनेस या एजुकेशन पाए। अगर वही चीज़ अब बिहार में इंडस्ट्री वापस आती तो तीन चार चीज़ें जो इकोनॉमी को बेनिफिट करती, एक तो टैलेंट का वापस आना होता है, साथ में पैसों का वापस आना होता है, तीसरी जब वो टैलेंट वापस आती है तो पूरे के पूरे जो माहौल और रोज़गार जो चीज़ें होती है वो सबको वो एलिवेट करती है, वो इम्प्रूव करती है। तो इसका फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। जहाँ तक हमें पता है कि एडिफ जो टीम है वो कम से कम 500 से 600 लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करेगी फर्स्ट डे से। जाए जब कोई रोज़गार वहाँ पे होती है तो साथ में एलाइड जो सर्विसेज हैं साथ के, चाहे वो घर का खाना वाला लेकर के जितने भी स्कूलिंग से लेकर के जो उनके बच्चे पढ़ेंगे वो सारे सिस्टम को ये हेल्प करती है। तो अल्टीमेटली बिहार जो पैसे हैं वो बिहार में रहेंगे, जब बिहार में रहेंगे तो बिहार की इकोनॉमी को वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये चीज़ें हैं तो इसका सीधा फ़ायदा यहाँ की जनता को मिलेगा, सीधा फायदा। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा और भी इन्वेस्टमेंट होगा, जब और भी इन्वेस्टमेंट होगा तो जो बेरोज़गारी की जो समस्या है बिहार में वो दूर होगी और जो लोग पलायन को मजबूर हैं वो वापस जो है बिहार में ही रहेंगे और यहीं पर सेवा देंगे, अपने टैलेंट को यहीं पर सेवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया है कि एडिफ सिस्टम का सीधा फ़ायदा यहाँ के जनता को होगी, यहाँ के आवाम को होगी, इसलिए सब लोग मिलकर दुआ करें कि बहुत जल्दी शुरू हो जाए। आपका शुक्रिया। आप क्या नाम है आपका? कमरुल होदा तमन्ना। तमन्ना साहब, इंडस्ट्रियल एरिया पंडोल में जो एडिफ मेडिकल सिस्टम्स का आज शिलान्यास किया गया है मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा, उद्योग मंत्री हैं। आप ये बताएं कि 24 से मैं समझिए कि 2024 के अक्टूबर वगैरह अक्टूबर माह से यहाँ जो है दवा बनना शुरू हो जाएगा, कैसा लग रहा है? 500 से 600 आदमी का बैक वक्त अक्टूबर में ही जो है जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल जाएगा यहाँ से, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात हुई है, ये समझिए कि जंगल में मंगल हो रहा है। ये अखंड देहात में इतना बड़ा लगाया जा रहा है, उद्योग लगाया जा रहा है, 500, 700, 1000 भी कह सकते हैं, जो बाद में बोले हाँ, तो स्टार्टिंग में हाँ इसलिए वो बढ़ता चला जाएगा। जो फैक्ट्री की शक्ल बढ़ेगी तो बढ़ेगा और लोगों को यहाँ बड़ा सहूलत होगा। इतनी अच्छी चीज़ यहाँ पर आई है, बिल्कुल हर तरह की दवा मिलेगी। जो दवा लोग पटना से दिल्ली से इमरजेंसी में कॉल करके मंगाते हैं वो आपके यहाँ उपलब्ध रहेगा, इमरजेंसी में तुरंत दवा जाएगी। गरीब गुड़बा को फायदा होगा, अमीरों को फायदा होगा, मरीजों को फायदा होगा। साहब रहने वाले कहाँ के हैं? पंडोल में अभी है मौजूद आप? मैं तो बिस्पी मधुबनी। बिस्पी मधुबनी जी, मतलब कि ये है कि चर्चा है इस कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल इस कंपनी का, इस उद्योग का बड़ा चर्चा है कि बहुत अच्छी चीज़ यहाँ लगाई जा रही है। जो परेशानी थी लोगों की दवा के मामले में वो परेशानी दूर होने जा रही है। शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद मंसूरी। आपका घर कहाँ हुआ? खुटौना। खुटौना घर हुआ आपका और आप अभी पंडोल में मौजूद हैं, यहाँ एडिफ मेडिकल सिस्टम्स जो उसका शिलान्यास किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज बिहार सरकार के इंडस्ट्री मिनिस्टर जनाब समीर महासेठ को कि इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन फैज साहब को उपलब्ध कराया और ये मिथिलांचल के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के तकदीर और तस्वीर लोगों की बेहतर होगी और मुख्य धारा से लोग जुड़ जाएंगे, तमाम विकास का रास्ता खुलेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिस तरह से ये उद्योग डेवलप कर रहा है, ये पंडोल का जो एक मृत प्राय स्थिति था, तो निश्चित रूप से इस महागठबंधन सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के बाहर से लोग आ रहे हैं और उद्योग लगा रहे हैं और स्किल और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा और जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अब्दुल नासिर सबीली। सबीली साहब, अभी पंडोल में आप हैं और यहाँ एडिफ मेडिकल सिस्टम का शिलान्यास रखा गया है, 2024 में जो है यहाँ से दवाइयाँ बननी शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट डे से ही 500 से 600 आदमी को रोजगार मिलेगा, बाद में हज़ारों लोग यहाँ रोजगार पाएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे इस पंडोल के MLA जो हैं जनाब समीर महासेठ साहब, उनको उद्योग मंत्री हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इन कामों को अंजाम देने की कोशिश में लगे और अल्लाह ने सफलता दी, वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। जो फैज साहब के माध्यम से इस पंडोल के इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इस तरह का रोज़गार फराहम करना, ये पूरी टीम
ऊपर से नीचे तक मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी की तरफ कामयाब। आपका कैसा तारुफ? मेरा नाम जावेद तौफीक रहमानी। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप एडिप मेडिकल सिस्टम्स जो यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले काबिल मुबारकबाद हैं बिहार के सरकार जनाब नीतीश कुमार साहब व नायब वज़ीर आला जनाब तेजस्वी साहब, और उन दोनों की नेतृत्व में हमारे मधुबनी ज़िला के जो उद्योग मंत्री हैं जनाब नीतीश समीर महासेठ साहब, जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज एरिया को डेवलप किया है, और यहाँ से रोज़गार भी बढ़ेंगे। और जो समस्या जो मिथिला की जो थी, चूँकि बिहार को कामयाब होने के लिए मिथिला को कामयाब होना ज़रूरी है। जब मिथिला चमकेगा तो बिहार चमकेगा, बगैर बिहार के मिथिला भी नहीं है, बगैर और बगैर मिथिला के बिहार भी नहीं है। इसलिए बिहार को अगर चमकाना है, हमारे नीतीश कुमार साहब अगर चमकाना चाहते हैं तो इंडस्ट्री एरिया को मजबूत करना होगा। और हमारे उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी हैं, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जगह जनाब फैज साहब को स्क्वायर किए। ये बहुत बड़ी बात है। EDF की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं और बहुत ही दुआ करता हूं मैं दिलों से कि अल्लाह तबारक तआला इसको पाए तकमील तक पहुंचाए, और जितने भी लोग हैं इस इलाके में इस टीम में जुड़े हुए हैं सबको अपने आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करने की तौफीक अता करूं। लोग तालियों से स्वागत करेंगे। थैंक यू।